नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलिस की नौकरी आजीविका के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पुलिस की नौकरी आजीविका के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए है। वे शनिवार को मधुबन में हरियाणा सशस्त्र पुलिस दीक्षांत समारोह में 400 महिलाएं व पुरुष उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बधाई दे रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और सलाह ली। वचेर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद आप एसपी को हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस में मानकर पूरे प्रदेश में ईमानदारी और कर्मठता से सेवा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और दूसरे विभागों में सामान्य कर्मचारियों की ड्यूटी में काफ़ी अंतर है, बल्कि पुलिस की नौकरी आजीविका के लिए नहीं की जा सकती बल्कि यह एक समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि अपराधों के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए गुरुग्राम में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर DITC स्थापित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के कर्मचारियों को सोशल मीडिया, इंटरनेट और साइबर अपराधों का अनुसंधान करने में तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने में कई प्रकार की सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ और आधुनिक बना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने श्रेष्ठ अधिकारियों को सम्मानित भी किया। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष। आज हरियाणा पुलिस द्वारा आयोजित उप निरीक्षक के 16वें बैच के शानदार दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस समारोह में जवानों के चमकते दमकते हुए चेहरे, इनको देख करके मन में बहुत उत्साह का संचार हो रहा है। इसी प्रकार की पहले भी जो दीक्षांत समारोह होते रहे हैं, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वैसे तो बहुत से मुख्यमंत्री मधुबन के इस परिसर में आने का संकोच करते रहे हैं, लेकिन मुझे आज शायद छठी बार यहाँ आने का मौका मिल रहा है। इससे पहले 9 जनवरी को दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ था, जिसमें 5,192 जवान उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करके अपने आप को इस पुलिस बल का हिस्सा बनाया था। आज आप लोग पुलिस बल का विधिवत सदस्य बनने वाले सभी जवान और उन सब माता पिता और जवानों के परिजनों को बधाई देता हूं, जिनके बच्चों ने पुलिस विभाग के रूप में ऐसे चुनौती भरे रास्ते का चयन किया। ये कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक सेवा का एक प्रकल्प है। सेवा के रूप में इस काम को जाना जाता है। पुलिस विभाग के इस शानदार आयोजन के लिए मैं विभाग को भी, पुलिस अकादमी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, आप लोगों का ये जोश, उमंग और उत्साह, जो आपने ये ट्रेनिंग प्राप्त की है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा हमेशा ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक यादगार बनी रहेगी। जैसा बताया, 400 उप निरीक्षक आपका सबका ये प्रशिक्षण ये पूरा हो रहा है। आज आप पुलिस बल का हिस्सा बने जा रहे हैं। आज के बाद आपकी असली जिम्मेवारी ये शुरू होने वाली है। मुझे विश्वास है कि जिस मेहनत और लगन से आपने ये प्रशिक्षण हासिल किया है, उसी लगन और उत्साह से आप अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आप पुलिस बल के अनुशासित सदस्य बन गए हैं। पुलिस बल में आप जैसे उत्साही और प्रशिक्षित जवान शामिल होने से इस बल की कार्यकुशलता में और अधिक बढ़ोतरी होगी। पुलिस का कार्य हम जानते हैं बहुत ही चुनौती भरा होता है, इसलिए जवानों का आचरण और उनकी क्षमता ये भी माना जाता है कि असाधारण ही होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि पुलिस की नौकरी केवल रोजगार मात्र नहीं बल्कि समाज की सेवा के साथ साथ देश की सेवा का जज्बा ये भी इसमें होना चाहिए। पुलिस बल में शामिल होने वाला जवान यदि इसे सेवा का सर्वोत्तम अवसर मानकर कार्य करता है, तभी उसका इस विभाग में शामिल होना और उसमें कार्य करना सार्थक होता है। काम करते हुए बहुत से प्रकार के अनुभव, कठिनाइयाँ ये आपको आएंगी। सामान्यतया काम करने वाले लोग अपने सामने एक समय सारिणी, एक कैलेंडर, इसको समय समय पर देखते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार का कार्य आपको सौंपा जा रहा है, इसमें समय और कैलेंडर ये अलग ही प्रकार का होगा।
सामान्यतया जो घड़ी होती है वो सुबह, दोपहर, सायं, रात्रि, ये समय बता करके कार्य करने की योजना बनाते रहते हैं। लेकिन आप लोग 24/7 इस योजना के साथ बंधे हुए हैं। मालूम नहीं कब उच्च अधिकारी का उच्च आदेश आ जाए, उचित आदेश के बाद आपको तुरंत तैयार होकर, दिन देखना नहीं, रात देखनी नहीं, तुरंत दौड़ करके अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। ऐसे ही कैलेंडर वार्षिक जो होता है उसमें बहुत से त्यौहार आते हैं। दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है, कभी कोई त्यौहार, कभी कोई त्यौहार। लेकिन आप लोग स्वयं तो शायद वो त्यौहार नहीं मना पाएंगे, ड्यूटी के कारण से बहुत सी आपको निर्देश ऐसे मिलेंगे। लेकिन ये भी सच मानिए कि समाज के जो लोग इस कैलेंडर के हिसाब से अपने उत्सवों में भाग लेते हैं वो भी आप ही के कारण से ले पाएंगे। आप अगर बढ़िया व्यवस्था देंगे तो उनका ये कैलेंडर ये सार्थक होगा, तो समाज के साथ जुड़ करके हम समाज के हिस्से बन गए हैं। इस प्रकार से हर एक को आपने काम करना है। प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। इसे निभाने के लिए पुलिस का ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चुनी हुई सरकार का ये कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अच्छा प्रशासन उपलब्ध कराए। इसलिए हमारी सरकार हरियाणा पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस बनाने के लिए कटिबद्ध है। समाज को एक सुरक्षा का माहौल देना ये हमारा सबका काम है। हम हरियाणा पुलिस इस नाते से जाने जाते हैं, हमारे कंधे पर HP नाम का लेबल लगा है। इस HP लेबल को आप एक बार कहे हरियाणा पुलिस की बजाय हरियाणा पब्लिक मान करके चलिए। हम हरियाणा पब्लिक के जवान हैं, पुलिस के तो है ही हैं। इसलिए इस पब्लिक की सेवा, इस पब्लिक के साथ अपने आप को उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रखना, उस समस्याओं का निवारण करना, ये हमारा सबका दायित्व है। हम युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है, जैसा बताया कि हमने 6 वर्ष में TRP प्रोसेस, इसके आधार पर न केवल पुलिस में बल्कि बाकी सब सरकारी सेवाओं में भी भर्ती करने का एक निर्णय लिया था। बड़ा कठिन ये निर्णय था, लेकिन सरकार जो आती है लोकतंत्र में उसकी गारंटी 5 साल की होती है। 5 साल